नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव विजय में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ एक बहुत ही चीप लैपल माइक की, जो मैं कुछ दिन पहले एक अमेज़न से ख़रीदा था और आज जो है इसका डिलीवरी हुआ है। तो ये जो है मामूली सी एक अमेज़न की पैकेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं जो हूँ इसका सील तोड़ चुका हूँ और देखिए इसके बाद हम इसे खोलने वाला है। तो ये रही एक बहुत ही बेहतरीन एक बैग माइक को कैरी करने के लिए, ये मुझे बहुत पसंद आया। तो फिलहाल इस पैकेट को हम साइड में रख देते हैं और इस बैग को खोल लेते हैं कि अंदर क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पे एक प्लास्टिक के अंदर जो है हमारा माइक रखी हुई है। तो देखिए यहाँ पे इसका लंबाई मुझे बताया गया कि 2 मीटर है, देखते हैं इसका लंबाई कितनी है। तो ये जो ऐसे ही बहुत सारा माइक मैं सर्च कर रहा था, क्योंकि आप मेरी पहले की पिछली की कुछ वीडियो देख सकती हैं, वहाँ पे कितनी बैकग्राउंड नॉइस है, तो इसलिए मुझे एक माइक लेना ज़रूरी था। तो देख लेते हैं, इसे खोल लेते हैं यहाँ से और ये खोल लिए हम। देखिए इसका लंबाई लगभग 2 मीटर ही है और ये जो है बेहतरीन है, एक मेटल डिज़ाइन वाला माइक है, बहुत ही अच्छा है। और सामने एक कुशन दिया हुआ है आपकी थूक से बचाने के लिए। तो देखिए अगर हम इस कुशन को खोल लेते हैं यहाँ से अगर हम इस कुशन को खोले तो यहाँ पे जो कंप्लीट जो मेटल का बना हुए हैं सभी तरफ, और यहाँ से भी रिकॉर्ड करने की जगह है और सामने भी रिकॉर्ड करने की जगह हुई है। और इस कुशन को हम लगा देते हैं फिलहाल। तो एक्चुअली मेरे एक दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया था कि इस माइक को लेने के लिए, क्योंकि वो भी ये वाला ही ख़रीदा था। तो बहुत ही बेहतरीन माइक है, अभी इसका हम एक टेस्ट कर लेंगे और देख लेंगे। दिखने में तो बहुत ही बढ़िया है, अब काम कैसे करता है ये भी हम चेक कर लेंगे। तो देखिए अभी मैं अपनी टी शर्ट के साथ इस माइक को अच्छी तरीके से ग्रिप कर लिया हूँ और इसमें जो है कांटेदार एक मुंह दिया है, इसलिए अच्छी तरीके से ग्रिप करता है। तो और इसका साउंड क्वालिटी कितनी अच्छी है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसके दिखने में तो बहुत अच्छा है, कंप्लीट मेटल डिज़ाइन है, साउंड कितनी अच्छा देता है, क्या मुझे ये यूज़ करना चाहिए या फिर एक नया लेना चाहिए, आप मुझे ज़रूर कॉमेंट में बताना। और सबसे पहले बात कि आप इसे सिर्फ एक ही डिवाइस में नहीं, आप इसे कंप्लीट सारी डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये जो माइक है अभी कनेक्टेड है मेरे स्मार्टफोन में, लेकिन आप इसे अपने लैपटॉप, अपनी DSLR या फिर अपने कंप्यूटर में एक कनेक्टर के थ्रू भी कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर आपको इसे लेना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए, वहाँ पे एक लिंक है, वहाँ पे जाके आप अमेज़ॉन में से इसे खरीद सकते हैं। करीब करीब 350 से 400 के आसपास इसका दाम है और इसका जो MRP है बहुत ज़्यादा है, 700 रुपये है। अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो आपको 700 रुपये तक पड़ सकता है ऐसे क्वालिटी वाला एक माइक। तो आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना इसका क्वालिटी कितनी अच्छी है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मोर टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। हैव ए नाइस डे।